हेलो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडिफाइड का कॉफ़ी मेकर, जिसको हम आज रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम इसको। सबसे पहले हम इसका जो टैंक का टॉप कवर है वो अलग करेंगे, और उसके बाद ये नॉब से आप देखेंगे एक रबड़ का वॉशर है, ये अलग करेंगे, जिसमें इसको पैकिंग है। इसके नीचे ठीक एक नीचे स्क्रू लगा होता है, उसको खोलेंगे। और फिर इसको उल्टा करके जितने भी यहाँ पे बैक साइड इसके प्लेट पे स्क्रू लगे हैं वो सारे के सारे अलग करेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पांचों के स्क्रू हम खोलने के बाद इसका हम ढक्कन अलग कर देंगे। तो जैसे ही ढक्कन अलग करते हैं हम इसमें देखेंगे, इसमें बहुत सारे कनेक्शन लगे नज़र आ रहे हैं, जो इसकी वायरिंग से होते हुए इसके टैंक तक जाते हैं। और दोस्तों, इसमें हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो वाटर लीकेज की आ रही है, कि स्टीम ना बन के इसमें जितना भी वाटर हम डालते हैं वो सारा का प्रेशर इससे बाहर आ जाता है। उस प्रॉब्लम को आज हम इसमें रिमूव करेंगे। तो हमें ये ढक्कन यहाँ से अलग कर लेना है। तो इसके बाद आप देखेंगे टैंक के बिल्कुल साइड में चार स्क्रू अलग से लगे हैं, हमें इसको भी स्क्रू ड्राइवर से अलग कर लेना है। तो दोस्तों, इसको जब हम उल्टा करते हैं तो यहाँ पे भी दो तीन स्क्रू नज़र आ रहे हैं, इसको भी ओपन कर लेना है। तो ये स्क्रू ओपन होने के बाद ये जो हमें स्टील की प्लेट नज़र आ रही है इसको अलग करना है। दोस्तों, चारों पेच अलग होने के बाद हम देखेंगे ये नीचे वाला जो उसका पोर्शन है वो अलग करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉक सिस्टम होता है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए इसको खोलते हुए, ताकि ये टूट ना जाए। दोस्तों, नीचे वाला पार्ट अलग होने के बाद हम देखेंगे एक जहाँ पे इसका टॉप कैप लगता है वहाँ पे एक रबड़ है, उसको हम अलग करेंगे। उसके नीचे भी दो तीन स्क्रू लगे हैं। जब ये रबड़ अपनी जगह से बाहर आ जाएगी, मैं आपको स्क्रू दिखाता हूँ कहाँ पे लगे हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे दो छोटे छोटे स्क्रू लगे हैं, इसको भी हम ओपन कर लेंगे। तो आप ये देखेंगे पूरा का पूरा इसका जो टॉप कवर है वो अलग हो चुका है। ये हमने लीवर खींच के बाहर निकाला है, ये भी लॉक सिस्टम है। तो अभी आप देखेंगे ये टॉप कवर अलग हो चुका है, ये टैंक आ रहा है इसका। तो अभी जो इसमें हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। आगे चेक करनी पड़ेगी दोस्तों। प्रॉब्लम अभी जो दिखाने के लिए मैं आपको इसमें पानी डाल के चलाऊंगा, ताकि हमें जो प्रॉब्लम है आपके सामने ही आ जाएगी, फिर हम उसको रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे इस तरीके से चलाने के लिए इसको बड़ी सावधानी से चलाना है। तो आप देखेंगे हमने इसको ऑन कर दिया है, तो अभी हमें लगभग 3 मिनट वेट करनी पड़ेगी।
तो दोस्तों जैसे कि वर्किंग में अभी चल रही है, आप देखेंगे एक साइड से उसकी स्टीम जो है वो कम आ रही है, दूसरी जो हमें इसमें प्रॉब्लम आई है वो इस लीवर में आई है, और इसको हम ये जो पार्ट है ये डैमेज हो चुका है, तो अब हम इसको बदलेंगे। दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम हमें ये आ रही है, जब हम लेफ़्ट साइड से स्टीम ले रहे हैं तो हमें जहाँ से ये ब्लैक कॉफ़ी बनाने का प्रोसेस है यहाँ से भी स्टीम बाहर आ रही है, तो हम अभी इसको ठीक करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें इसके ये लीवर को थोड़ा सा लूज़ करके बाहर निकालना है और थोड़ा इस तरफ करके टाइट कर देना है, इस तरफ बाहर निकाले से थोड़ा यहाँ पे रख के और निकालो निकालो, हाँ यहाँ पे टाइट कर दो। तो ये काफ़ी हॉट है यहाँ से, बच दोस्तों इसके बाद ये वर्किंग की हमें इस के साथ मैच करनी है, ताकि ये जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का निशान लगा है आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये इसी हिसाब से वर्किंग करे। ये थोड़ा सा यहाँ से लूज़ हो गया था तो हमने इसको दोबारा रिपेयर कर दिया है। दोस्तों एक पतली सी तार लेकर के हमें इसकी भी क्लीनिंग करनी है इस नूडल की, ताकि अगर इसमें जो कॉफ़ी सा कचरा गया है वो भी बाहर आ जाए, और इसके बाद हम आपको दिखाऊंगा इसमें कितना प्रेशर के साथ स्टीम बाहर आती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी इसमें से काफ़ी प्रेशर के साथ स्टीम आ रही है, तो अभी इसको वापस बंद करने के बाद आपको दोबारा चला के दिखाते हैं कि किस प्रकार की वर्किंग करती है। तो अभी ये सबसे पहले हमने इसका टॉप कवर दोबारा बिठाना है, और इसके बाद यहाँ पे दो पेच लगे होते हैं वो लगाने हैं। पेच लगाने के बाद जो गैसकेट हमने पहले यहाँ से हटाई थी वो वापस लगानी है, और इसके बाद ये जो इसका लीवर है वो अपनी जगह पे वापस बिठाना है। फिर इसके बाद जो हमने ये स्टील वाली जाली यहाँ से हटाई थी वो वापस लगानी है, यहाँ से दो पेच खोले थे वो वापस लगाने हैं, इसके बाद इसका जो कंट्रोल वाल्व है वो वापस लगाना है जो कि यहाँ पे लगता है। दोस्तों इसका ढक्कन वो लास्ट में लगाने से पहले हम इसको एक बार दोबारा चेक करेंगे, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम इसमें छूट गई हो तो हम इसको दोबारा यहीं से खोल के रिपेयर कर पाएँ, बट ऐसा कुछ इसमें है नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसको दोबारा पानी डाल के इसको चला के चेक करूँगा। इसको एक तिहाई भर लेना है यहाँ से, और इसके बाद इसका ये जो कैप है वो बंद कर देना है, इसको अच्छी तरीके से टाइट से बंद करना है, और ये जो थ्रॉटल है उसको बंद करना है जिसको हम कंट्रोल वाल्व बोलते हैं, और इस लीवर को इस पोजीशन में ही बंद रखना है। अब इसको 3 मिनट के लिए दोबारा से वेट करेंगे ताकि इसमें स्टीम बननी शुरू हो जाए। दोस्तों अभी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहाँ पर हमने जो गैसकेट लगाई थी वो अपनी जगह से बैठी नहीं थी, तो उसकी वजह से हमें इसको थोड़ा सा और टाइट करना पड़ा ताकि वो अपनी जगह पे बैठ जाए। तो अभी आप देख पा रहे हैं इसमें स्टीम बननी शुरू हो गई है, और जो इसमें 7 प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पे स्टीम आने की वजह से यहाँ पे भी वाटर अपने आप आ रहा था, तो वो हमने इस लीवर को टाइट करके उसको ठीक कर दिया है। अभी हमारी जो मशीन है दोबारा से वर्किंग में है, तो अभी जिस कस्टमर की लेके आए थे उसको लौटा देंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर कुछ मेरी वीडियो में छूट गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
थैंक यू।